नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत साल पहले की है। एक परिवार था, उसका मुखिया रमेश था। रमेश के दो बेटे और एक बेटी थी। रमेश की बूढ़ी माँ भी उन्हीं के साथ रहती थी। माँ की उम्र करीब 100 साल से ऊपर की थी और आज भी रमेश की माँ स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। रमेश की माँ पर पहले ज़माने का बहुत सा धन था और रमेश की माँ वो धन किसी को देती भी नहीं थी। रमेश की माँ बहुत कंजूस थी, पर रमेश भी सोचता था कि माँ से धन मांगो तो वो देती नहीं है, तो इससे अच्छा है कि धन ना मांगे। आखिर माँ 100 साल से ऊपर की हो गई है, बाद में तो सारा धन मुझे ही मिलेगा। रमेश अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। माँ के हाथ में एक अंगूठी होती है, वो अंगूठी बड़े से डायमंड की थी। वो अंगूठी रमेश की माँ को रमेश के पापा ने दी थी, इसलिए रमेश की माँ उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनकर आज तक रखी हुई थी। सब ठीक से चल रहा था, तभी रमेश को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसने अपनी माँ से मांगा तो माँ ने कहा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं और जो है उसे मैं तुझे क्यों दूँ। रमेश की माँ पर करोड़ों के जेवर और पैसे थे, कई करोड़ की तो उसकी अंगूठी ही थी, पर माँ तो पैसे ना बेटे को देने को तैयार थी, ना ही बहू और पोता पोती को। एक दिन गुस्से में रमेश का बड़ा बेटा अपनी दादी से बोला, दादी मर के भी सारे पैसे लेकर जाओगी क्या? तो दादी बोलती है, हाँ, वो सारे रुपए माँ ने नीचे तहखाने में छिपा कर रखा था और रोज़ सुबह शाम अपने पैसे देखने के लिए तहखाने में जाती थी। उस वक्त दादी तहखाने में गई हुई थी, तभी अचानक बहुत जोर का भूकंप आ जाता है और पूरा गांव मलबे में दब जाता है, कोई भी नहीं बच पाता। तभी कुछ सालों बाद उस जगह को लोग कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। उस जगह की साफ सफाई की गई और वो गांव अब कब्रिस्तान हो गया। वहाँ लोग मुर्दे गाड़ने लगे। दो लड़के आदिल और सलीम वहाँ कब्र खोदने का काम करते थे। आदिल और सलीम दोनों पड़ोसी भी थे और एक अच्छे मित्र भी थे। तभी एक दिन शाम के वक्त वो लोग कब्र खोद रहे थे तो उन्हें रमेश की माँ का खजाना दिखा और उसमें एक कंकाल भी था जो कि हीरे की अंगूठी पहने हुए था, यानी कि रमेश की माँ का कंकाल था। वो खजाना देखकर दोनों की नीयत बदल गई और उन लोगों ने वो खजाना आपस में बांटने का सोच लिया और खजाना अंगूठी लेकर चुपके से अपने घर चले गए। दोनों ने खजाना बांट लिया था और उस कंकाल को वहीं दफना कर आ जाते हैं। अब दोनों सोचते हैं कि हम लोग अब कब्र नहीं खोदेंगे, ये शहर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने चले जाते हैं। पर वो दूसरी जगह जा नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि कोई शक्ति उन्हें जाने से रोक रही है। जब गाड़ी बुलाते तो गाड़ी के पहिए पंचर हो जाते, आदि ऐसी दुर्घटनाएं होने लगी। अभी खजाना मिले एक दिन भी नहीं हुआ था कि वो रात में डर के उठ गए। उन्हें लगा कि कोई साया उनकी छाती पर बैठकर उनकी गर्दन दबा रहा है। डर के मारे दोनों साथ में ही सोते थे। तभी रमेश की माँ का भूत वहाँ आता है और उन लोगों पर वार करके उन्हें पलंग से गिरा देता है। अभी दोनों समझ ही रहे थे कि रामधनी का भूत हवा में उड़कर उन दोनों को देखता है। तभी दोनों आदिल और सलीम पूछते हैं, तुम कौन हो? तो भूत बोलता है, मैं रामधनी हूँ। तो दोनों पूछते हैं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो रामधनी बोलती है कि तुम मेरा खजाना लेकर आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। सलीम और आदिल बोलता है कि हम अब क्या करें? तो रामधनी बोलती है कि मेरा खजाना मेरी कब्र के साथ गाड़ दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। पर दोनों के अंदर इतना धन देखकर लालच आ गया था। वो लोग रामधनी के भूत को टालने के लिए बोलते हैं कि ठीक है, हम धन वहाँ रख देंगे। लेकिन वो लोग धन लेकर कब्रिस्तान में ना जाकर
एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं और उन पर बीती हुई सभी घटना उस तांत्रिक को बताते हैं और कहते हैं कि तांत्रिक बाबा कुछ ऐसा करो कि उस बुढ़िया की आत्मा से हमें छुटकारा मिल जाए। तांत्रिक कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ पर आधा धन मुझे भी मिलना चाहिए। दोनों बोलते हैं ठीक है। अब रामधनी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत क्रोध में आ जाती है और आदिल और सलीम को मारने की कोशिश करती है। तभी तांत्रिक रामधनी को अपने वश में करने की कोशिश करता है पर रामधनी उन लोगों के कंट्रोल में नहीं आती है क्योंकि तांत्रिक ने रामधनी के धन में से वो अंगूठी अपने पास चुरा कर रखी थी। रामधनी उस अंगूठी से और अपने सभी धन से बहुत प्यार करती थी। उसने तांत्रिक को अंगूठी छिपाते हुए देख लिया था और रामधनी तांत्रिक से वो अंगूठी अपने बाकी धन के साथ रखने को बोलती है। तब तांत्रिक बोलता है कि मैं तेरी अंगूठी क्या, मैं तो तेरा सारा धन ही ले लूँगा और तुझे भस्म कर दूँगा। रामधनी को तांत्रिक पर बहुत क्रोध आता है और वो पहले उस तांत्रिक को ही जान से मार देती है। अब आदिल को भी मारने वाली होती है तो सलीम और आदिल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी रामधनी बोलती है कि मेरे सारे धन को मेरी शरीर के साथ रख दो तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब रामधनी बाहर निकल चुकी थी, वो अपने धन की रक्षा स्वयं करती थी। आदिल और सलीम को वह धन गाड़ते एक व्यक्ति ने देख लिया था। जैसे ही रात होती है वह व्यक्ति धन के लालच में वहां खोदने की जैसे ही कोशिश करता है रामधनी उसे उसी समय जान से मार देती है। अब ऐसा लगभग हमेशा होने लगा, कोई अनजान आदमी भी वहां कब्र खोदने की कोशिश करता तो उसकी मौत हो जाती। अब ये बात सभी जगह फैल चुकी थी और आदिल और सलीम ने भी अपनी आप बीती कुछ ही बातें बताई तो सरकार ने उस जगह पर जाने पर बैन कर दिया ताकि वहां ना कोई जाए और ना किसी की मृत्यु होए। रामधनी मरकर भी अपने धन की रक्षा करते रही। दोस्तों आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।